हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए विरल सा। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर इनकम टैक्स सेक्शन 23 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 22 ऑफ इनकम टैक्स डिस्कस किया था, जिसमें कि बेसिक कंडीशन फॉर चार्जिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी दी गई है। अगर वो तीनों कंडीशन जो कि सेक्शन 22 में दी गई है वो सेटिस्फाई होती है तो हैं तो ही एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स। आइए डिस्कस करते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमें एक्सपेक्टेड रेंट को फाइंड करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू। सपोज इट इज ए। नाउ सच ए इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट। Now A or standard rent, whichever is lower, will be considered as a expected rent. Gross annual value. Gross annual value shall be higher of expected rent or actual rent. Whichever is higher will be considered as gross annual value. Now concept of annual value. Annual value means gross annual value less municipal tax एक्चुअली पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे ध्यान रखना है, ओनर ने अगर एक्चुअली म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट होगा। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर और वो वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है, देन एक्चुअल रेंट विल बी considered as a gross annual value of the property. आइए डिस्कस करते हैं एक बार फिर से तीनों कॉन्सेप्ट। एक्सपेक्टेड रेंट विल बी हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। मीन्स हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को हमें स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करना है। व्हिच एवर इज लोअर विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्सपेक्टेड रेंट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू will be higher of actual rent or expected rent. Now gross annual value को annual value में determine करने के लिए उसमें से हमें municipal tax deduct करना पड़ेगा। हालांकि municipal tax वही deduct होगा क्योंकि owner ने actually previous year में pay किया हुआ है। और यहाँ पे एक और concept जो कि ध्यान रखना है कि if let out property is vacant for part of the year and owing to vacancy the actual rent is lower than the expected rent, then actual rent received or receivable will be the gross annual value of the property. आइए डिस्कस करते हैं हम इसे एग्जांपल के साथ। सपोज मिस्टर एक्स ओन्स 3 हाउस इन चेन्नई, ऑल ऑफ व्हिच इज लेट आउट। कंप्यूट जीएवी ऑफ ईच हाउस। हाउस नंबर 1 म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। नाउ हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट विल बी पहला क्या है, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। तो हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू हाउस नंबर 1 में आता है 60,000, हाउस नंबर 2 का 65,000, हाउस नंबर 3 में 80,000। नाउ इट शैल बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट और हायर ऑफ द अबव whichever is lower will be the expected rent. Higher of the municipal rent and fair rent 60,000 है, standard rent 75,000 है, so expected rent will be lower of these two, it equal to 60,000. Same in the case of house number 2 58,000 and house number 3 78,000. Now gross annual value will be actual rent or expected rent whichever is higher. एक्चुअल रेंट हाउस नंबर 1 में 72,000 है, एक्सपेक्टेड रेंट 60,000 है, व्हिच एवर इज हायर मतलब 72,000 विल बी कंसीडर्ड एज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाउस नंबर 2 में 60,000 कंपेयर्ड विद एक्सपेक्टेड रेंट 58,000, देन 60,000 विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाउस नंबर 3 में एक्चुअल रेंट 72,000 है, एक्सपेक्टेड रेंट 78,000 है, तो व्हिच एवर इज हायर विल बी जीएवी दैट इज 78,000। नाउ अगर कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर अनऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर है, देन एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज अ नील। इन दिस केस नो टैक्स लायबिलिटी ऑन सच रेंटल इनकम विल अराइज
because there is no actual rent. Unoccupied property means, unoccupied property ka matlab hai property which is not occupied by owner for the reason of his employment, business or profession, and he resides at such different place in the house which is not belonging to him, then उसे unoccupied property माना जाएगा। यहाँ पे एक condition ध्यान में रखनी है कि benefit of one sale occupied house will be available only to individual or HUF, बाकी कोई भी SSC को यह benefit available नहीं है। Self occupied property के केस में annual value को ही nil माना गया है, तो municipal tax के deduction का उसमें question ही नहीं आता है, क्योंकि annual value का मतलब होता है gross annual value less municipal tax is equal to annual value। यहाँ पे हमें annual value को ही nil मान लिया है, so municipal tax का deduction नहीं मिलेगा। Where house property is let out for part of the year and self occupied for the part of the year, in this case we have to consider the actual rent for the actual period, which is compared with expected rent for the whole year, and higher of the this will be considered as a gross annual value. Where a house property is let out for part of the year and self occupied for part of the year, in this case higher of the expected year for whole year and actual rent received for let out period is considered as a GAV. Here SSC can claim deduction for municipal tax for whole year even if he had let out each for part of the period. However, the condition for actual payment of municipal tax during the previous year is required to be fulfilled. In case of a deemed to be let out property, suppose SSC के पास एक से ज्यादा house है तो और SSC ने कोई भी हाउस रेंट पे नहीं दिया हुआ है, तो SSC अपने बेनिफिट या अपने ऑप्शन के हिसाब से कोई भी एक हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर कर सकता है, और जो भी हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर करता है उसकी एनुअल वैल्यू नहीं मानी जाएगी। हालांकि बाकी के सारे हाउस की एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट को माना जाएगा और उसे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा। द ऑप्शन of considering the any one house to be self-occupied can be changed year by year. Any case suppose 2018-19 में SSC ने house number A को self-occupied consider किया है, तो वो 2019-20 में house number B को भी self-occupied consider कर सकता है, depending the benefit he can assume by considering any one property as a self-occupied. In case of deemed let out property, expected rent shall be taken as a gross annual value. The question of considering the actual rent does not arise. Consequences, no adjustment is necessary on account of property remaining vacant or unrealized rent in the case of deemed to be let out property. Municipal tax actual paid by owner during the previous year in case of a deemed let out property can be claimed as a deduction. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू को हम नील लेते हैं, सो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है। हालांकि डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेते हैं, तो उसमें से अगर म्युनिसिपल टैक्स एसएससी ने एक्चुअली पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसका डिडक्शन उसे मिलेगा और जो भी आंसर आता है उसे एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, a portion is let out and portion is self-occupied. In this case, for the portion self-occupied, annual value will be considered as a nil, and for the portion let out, we have to calculate the annual value by comparing the expected rent, actual rent, standard rent, and also deducting the municipal tax on a reasonable basis. Income from any portion of a property which is let out shall be computed separately under let out property category, and other portion or part thereof which is self occupied shall be computed under self occupied property category. Municipal value, fair rent, standard rent, if it not given separately, shall be apportioned between the let out portion and self occupied portion either on clean area or built up
floor pages or such other reasonable pages. Property taxes, if given on a consolidated basis, can be bifurcated and attributable to each portion or a floor on a reasonable basis. Now, एक concept और आता है unrealized rent. Treatment of unrealized rent. The actual value of the actual rent will not include the unrealized rent. Unrealized rent will be deducted only if the condition of rule 4 is satisfied. Condition of rule 4 क्या कहती है? आइए देखते हैं. Condition number 1, tenancy is bona fide. Condition number 2, defaulting tenants has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. Defaulting tenant is not in the occupation of any other property of the SSE. The SSE had taken all reasonable steps to institute legal proceeding for the recovery of unpaid rent, or he satisfied the assessing officer that legal proceeding will be usually. Now here discuss karte hai is detail mein. Actual rent जो कि receive हुआ है या फिर receivable है उसमें हमें unrealized rent की value को consider नहीं करना है. हालांकि unrealized rent की value को हम तभी consider नहीं करेंगे जबकि rule 4 की condition satisfy होगी. Rule 4 की condition में यहाँ बताया गया है कि tenancy bona fide होनी चाहिए, defaulting tenant ने vacate किया हुआ होना चाहिए या फिर tap उसके लिए owner ने ले लिए होने चाहिए या फिर defaulting tenant ओनर की किसी और प्रॉपर्टी के ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए. एसएससी हैड टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू रिसीव द अनरियलाइज्ड रेंट, जैसे कि लीगल प्रोसीडिंग एट एक्स्ट्रा और सेटिस्फाइड द एओ दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस. प्रॉपर्टी टैक्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कि म्युनिसिपल टैक्स हम डिडक्ट करेंगे. उसके बाद जो आंसर आएगा उसे एनुअल वैल्यू माना जाएगा. हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स को हम तभी डिडक्ट कर पाएंगे जबकि इट शुड बी बोर्न बाय एसएससी मतलब ओनर और इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो एसएससी ने ही पेमेंट किया होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इट शुड बी बोर्न बाय द एसएससी. डिडक्शन ऑफ सच म्युनिसिपल टैक्स विल बी अलाउड ओनली ईयर in the year of actual payment. In case property situated outside India, taxes levied by local authority of such country will be deductible. I have discussed the example. Mr. X, a USA national, is a resident, an ordinary resident in India during the previous year 2018-19. He owns a house in USA which he had let out at $10,000 per month. Municipal tax paid to the municipal corporation earned $8,000 during the previous year 2018-19. The value of USD in Indian rupee will be taken at 65 compared just net annual value for EY 2018-19. Friends, यहाँ पे expected rent नहीं दिया गया है तो हम actual rent को ही gross annual value मान लेंगे. Rent है $10,000 multiplied by 65 rupees per dollar multiplied by 12 is equal to 78 lakh. Less municipal tax $8,000 multiplied by 65 is equal to 5,20,000. The net answer will be 72,80,000 will be considered as an annual value. Friends, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू. अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक और शेयर अवश्य करें. थैंक यू वेरी मच.